लो, इससे शरीफ बच्चा नहीं मैंने देखा होगा, इतना शरीफ बन गया यहाँ पे आके, ढंग से कान नहीं साफ करवा रहा, पेन हो रही है उसको। नो यहाँ पे तैयार हो रही है भाई गाड़ी जन्नत जी की शादी के लिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गुरमन व्लॉग्स। तो कैसी अपनी जी नेशन, आई होप यू ऑल आर गुड फिट एंड फाइन। तो गाइज अभी निकल चुके हैं इवनिंग राइड पे और आज हम पिचकारी को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि गाइज इसके ना फोरहेड के ऊपर जो है इन्फेक्शन हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो इस वजह से यार ये कल से जो है ना भाई खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा रहा, ये देखो भाई दिख रहा होगा आप लोगों को, और इसको थोड़ा सा ना लाइट फीवर भी हो रहा है। तो वही है भाई, डॉग्स छोटे हैं और इनकी यार केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आज मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सारा चेकअप वगैरह करवा देंगे। इसके नेल्स वगैरह भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, वो भी कट करवाने हैं। काफ़ी भाई कह रहे थे कि भाई पिचकारी के साथ व्लॉग क्यों नहीं करते, तो देखो भाई ये जो है ना टॉयज़ नहीं है, और मेरी फैमिली जो है ना भाई बहुत केयर करती है पिचकारी की, तो इसीलिए इसको बाहर वगैरह ज़्यादा हम निकलने नहीं देते या बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घुमाते। सिर्फ ये इवनिंग में पार्क जाता है, वो भी मॉम के साथ, वहीं इसकी अच्छी खासी जो है भाई हालत ख़राब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, और छोटे डॉग हैं तो थक भी बहुत जल्दी जाते हैं, तो ये फिर सो जाता है। और लास्ट आपने जो वीडियो देखी होगी भाई, जिसमें मेरी रेंज रोवर का एक्सीडेंट हुआ था, लड़की ने एक साइड पूरी रगड़ दी थी, मैंने आज कंपनी में चेक करवाया, भाई गाड़ी के ऊपर 90,000 का खर्चा है। वो उस टाइम पे इतने ज़्यादा निशान आपको नहीं दिख रहे होंगे, हमने उसको अच्छे से क्लीन कराना, यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, एक बार वीडियो देख के आओ, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि भाई गाड़ी का कितना बड़ा नुकसान हो गया है। और ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, देखो मुझे भी पता है भाई मैं ये ऐसे दिखा रहा हूँ, मेरी गाड़ी की वैल्यू ही ख़राब होगी, स्टिल मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ दो चार कुत्ते हैं जो भौंकते हैं और कहते हैं स्क्रिप्टेड है। देखो भाई स्क्रिप्टेड वीडियोज़ होती हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट आप ये देखो कि वीडियो से आपको मैसेज कितना अच्छा जा रहा है। ऐसी चीज़ें कौन ही स्क्रिप्टेड करेगा यार, अपनी रेंज रोवर कौन ठुकवाएगा भाई, वो भी इतने बुरे तरीके से। देखा आपने वीडियो में कैसे गाड़ी पूरी एक साइड से ख़त्म हो, काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ गए हैं, और जब तक मैं अब उसको ठीक नहीं करवाऊंगा मैं गाड़ी भी नहीं चलाने वाला, तो सबसे पहले मैं उसको ठीक करवाऊंगा तभी ही मैं गाड़ी चलाऊंगा। बाकी भाई जो स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आपको एक अच्छा मैसेज मिले। लास्ट वीडियो से भी मैसेज जा रहा था कि भाई देखो कभी भी ड्राइविंग करो, राइडिंग करो, फ़ोन मत यूज़ करो, फ़ोन यूज़ करना है साइड में खड़ी करके आप आराम से फ़ोन यूज़ कर लो, ये मैसेज एक छोटा सा वीडियो से जा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा यार लोगों को पसंद भी आया। काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, गाड़ी वाड़ी सब ठीक हो जाएगी, हम वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि आपके वैसे ही पैसे निकल जाएंगे। देखो भाई ये सब चीज़ों से मुझे अपनी गाड़ी नहीं ठीक करानी, मन में ऐसा ही कुछ होता ना मैं उस लड़की को वहीं चाहता तो उससे पैसे निकलवा सकता था, अगर मैं उससे सॉरी बुलवा सकता हूँ, उससे उसकी गलती मनवा सकता हूँ, तो मैं पैसे भी निकलवा सकता था। रोड पर चाहे भाई 1 लाख की गाड़ी चले चाहे 1 करोड़ की गाड़ी चले, सब ने ठुकना है, और गलती यार किसी से भी हो सकती है। प्रॉब्लम कहाँ थी हमारी, इतनी देर कन्वर्सेशन हुई, इतनी देर बहस हुई, सिर्फ इस चीज को लेके कि वो लड़की अपनी गलती ही रियलाइज नहीं कर रही थी, जो कि भाई करनी बहुत जरूरी थी। अगर आपसे गलती हुई है एटलीस्ट यार आप एक सॉरी तो बोल सकते हो, एटलीस्ट अपनी गलती तो मानो। मैं कहता हूँ गाड़ी भाड़ में जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो छोटी सी चीज थी जो मुझे बुरी लगी। बाकी गाइस देख लो पिचकारी आज कितना ढीला ढीला हुआ पड़ा है, और इस टाइम पे ना नहीं तो ये क्या करता है बेसिकली, आजकल जब मेरी रेंज रोवर में बैठता है ना, व्लॉग वगैरह उस टाइम पे नहीं कर रहा होता, ये अपने पाँव है ना इसके ऊपर रख देता है, और ताकि इसको एसी की हवा प्रॉपर लगे, क्योंकि डॉग्स है ना इनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, बिना एसी के नहीं रह सकते। बट आज ये देखो हांप भी उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना ये बहुत ज़्यादा हाँपता है, तो वही है यार तबीयत इसकी ढीली है। तो एक बारी पिचकारी के लिए नीचे बेस्ट विशेज दे दो भाई। बाकी जिस दिन भाई मैं पिचकारी के साथ व्लॉग करूँगा, उस दिन मैंने सोच रखा है इसके साथ प्रॉपर ट्रैवलिंग व्लॉग्स करूँगा मैं। बाहर देखो कौन है,
देखो देखो देखो, आज भाई बाहर का व्यू भी नहीं देख रहा है, नहीं तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से बाहर निकल के ना विंडोज से डॉग्स को आदत होती है कि बाहर का व्यू देखने की, कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी भाई मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट, कई बार मेरे को जो भी कमेंट अच्छा लगता है मैं लाइक करता हूँ, और अगर किसी का कमेंट्स बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आ जाए मैं पिंग भी कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि यार देखो आप लोग हो तो हम लोग हैं, हम वीडियोज बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छी लगती है, आप लोग प्यार देते हो तो हम और मोटिवेट होते हैं और अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं। यार ये बसों वालों का भाई कोई मतलब नहीं बनता, कहीं भी रोक देते हैं, पहले लेफ्ट काटी थी एकदम से राइट काट दी, अब ये एकदम भगाएगा देखना। और एक दो कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि भैया आपने रेंज रोवर लेने के बाद ब्रीजा बेच दी है क्या, या आपने उसको चलाना क्यों बंद कर दिया, तो देखो भाई ऐसा नहीं है, फैमिली कार है, काफी चलती है, इवन ये आज भी रेंज रोवर से ज्यादा चलती है, छोटे मोटे बाहर के लोकल जितने भी काम है वो सब इसी पे होते हैं, और मैं भी अब यही सोच रहा हूँ जब से गाड़ी बची है कि यार लोकल में जब भी मैं चलाता हूँ ना मैं रेंज रोवर को कम ही यूज करूँ, उसको मैं रखूँ थोड़ी दूर जाना हो, जैसे दिल्ली से जाना हो गुड़गांव या दिल्ली के बाहर जाना हो, मैं उन चीज़ों के लिए रेंज रोवर को रखूँ, और बाकी लोकल में जो है मैं यही गाड़ी यूज़ करूँ, क्योंकि कहना भाई दिल्ली की सड़कें ऐसी हैं इन पे लग्जरी कार चलानी है तो बहुत देख के चलानी पड़ती है, और जब आप गाड़ी रोड पे चलाओगे ना कोई भी लग्जरी कार महंगी से महंगी, तो आप ही को उसका ध्यान रखना पड़ेगा, लोग जैसे चलाते हैं जो उनकी राइडिंग है ड्राइविंग है वो वैसे ही चलाएंगे, आपको अपनी चीज़ का खुद ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया दिल्ली की सड़कों पे गाड़ी चला के। बाकी भाई लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैं जा रहा था शॉपिंग के लिए बट वो भी नहीं जा पाया, आज भी पिचकारी को लेके आना पड़ गया, तो मे बी नेक्स्ट व्लॉग में जाएंगे शॉपिंग करने थोड़ी बहुत, और एक ऐसी जगह का व्लॉग बनाएंगे जहाँ के रेट्स रीजनेबल हो, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएंगे अपने वीडियोज़ में कि आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़े, एक रीजनेबल रेट्स के अंदर भी आप शॉपिंग कर सकते हो, लो बजट शॉपिंग दिखा देंगे एक बारी। अब तो अपना आप लोगों को पता है ब्रांड खुल चुका है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नए नए कलर्स आ रहे हैं टी शर्ट के, तो जिसने बाय करना है बाय भी कर सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लिमिटेड स्टॉक है भाई, तो भाई देख लो कैसे बाहर निकल के देख रहा है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है गाड़ी में बैठने के बाद, थोड़ी सी एक्टिवनेस आई है इसके अंदर। अरे अरे शिट, ये डॉग्स है ना ये बोल नहीं पाते, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इनके एक एक मूव्स को समझना पड़ता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाकी भाई अपने एक भाई की बहुत अच्छी वीडियो आई है जिसका नाम हर्ष बैनीवाला है, काफ़ी लोग जानते होंगे फॉलो भी करते होंगे, तो उसने एक बहुत अच्छी वीडियो निकाली है डॉग्स के ऊपर जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप लोग भी देखोगे तो आपको भी मज़ा आएगा, अगर आप डॉग लवर हो तो आप वो वीडियो शेयर ज़रूर करोगे किसी ना किसी के साथ। तो गाइस पीबी नंबर रेंज रोवर खड़ी है बट ये दूर से ब्लैक कलर की लग रही होगी आप लोगों को बट ब्लू है ये, और बीज इंटीरियर था काफ़ी अच्छा लगता है बीज इंटीरियर भी। तो भाई यहाँ आ गई हैं अपनी जन्नत जी, और मुझे पता है इनको गर्मी काफ़ी लग रही होगी, एसी कर देते हैं थोड़ा सा तेज़। पिचकारी से मिलने आप शॉर्ट ड्रेस डाल के आए हो, वेरी गुड, हमसे मिलने सूट पहन के, पिचकारी से मिलने शॉर्ट ड्रेस, क्या बात है, ये कभी कभी मिलता है ना। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो या किसी पार्टी पे जा रहे हो, देख रहे हो कितना प्यार कर रहा है आपको, कितनी देर बाद भी तो मिला मेरे को, उसको लेके आया करो ना, ये देखो, तो देख लो भाई कैसे प्यार कर रहा है पिचकारी जन्नत जी को। तो चलो अभी यहाँ से निकाले, एक्साइटेड हो गया आपको देख के, ये लड़का सांस किसी को भी नहीं लेने देता खासकर लड़कियों को, इसको लड़कियाँ बहुत पसंद है, एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, तो ये है कि मेरे को फटाफट गाड़ी से बाहर निकाल दो, आपको बड़ी गर्मी लगती है, है? मैं चल के आई हूं, आपको पता है एसी की वजह से मुझे कोल्ड लगा हुआ है, मैं इतना ज्यादा एसी में रह रहा हूँ आजकल, मेरे को खुद लगा हुआ गर्मी बहुत, एसी भी रहा ही नहीं जाता, जैरी कहने लगी थी, जेरी हाँ। जेरी नहीं है ये पिचकारी है, कुछ भी मेरे मुंह से जेरी निकल रहा है। एक्चुअली क्या है ना काफी टाइम बाद मिला है ना आपको हाँ। तो इनको क्या है फ्रेग्रेंस से पता लग जाता है बॉडी की फ्रेग्रेंस ना, ये हमेशा याद रखते हैं डॉग्स। अच्छा। यहाँ पे तैयार हो रही है भाई गाड़ी जन्नत जी की शादी के लिए, शादी कब है आपकी बता दो हमें भी। देखो हमारी रेंज रोवर लग रही है ना, बट वो ब्लू कलर है पता है, मैंने पहले भी देखी थी अभी, हाँ दो दो पिचकारी हो गए, वो लिटल ये बिग, ये लिविंग में है, वो नॉन लिविंग में है, ये तो हमारा फैमिली मेंबर है यार। मास्क का चलान कटवाया अभी तक कि नहीं, बिना मास्क के घूम रहे आपको पता है, मास्क का चलान दोबारा स्टार्ट हो गया है। अच्छा पीछे तो बंद कर दिया था इन्होंने, पीछे बंद कर दिया था बट कोविड भी तो ज्यादा आ गया दोबारा से, कोविड फिर से आ गया, तो फटाफट मास्क लगा लो, ये ना हो अभी आपसे पैसे ले लें कोई। यहाँ आ गया भाई पिचकारी का डॉक्टर, गाड़ी तो मुझे नहीं लगता अंदर जाएगी, हमें बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी, तो ये तो बेचारे फिर भी पेट है,
पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे इनकी तो बॉडी यार। बट ये तो एसी में ही रहता है 24 घंटे और ये एसी में हम गर्मी में रह लेंगे बट ये एसी में ही रहता है, रह भी नहीं सकते हैं, इनको आदत पड़ गई अब। हाँ जैसे आपको आदत पड़ गई है ना मेरे साथ रहने की वैसे। चलो भाई गाड़ी अभी कर दी है यहाँ पे पार्क, एक बार शक्ल दिखा दो इसकी। हाँ थोड़ा एक्टिव हो गया पहले से आपसे मिलने के बाद ना। हाँ? पहले बहुत ज्यादा ना ढीला था जब घर से निकला था। तो गाइस देख लो यहाँ पे आते ही ये बहुत ज्यादा सहम जाता है इसके ना, ये देखो यहाँ पे। हाँ? सारी घबराना नहीं है भाई, तू डॉगी नहीं शेर है। लो इससे शरीफ बच्चा नहीं मैंने देखा होगा, इतना शरीफ बन गया यहाँ पे आके। पता है इसको अब इंजेक्शन लगने वाला है ना, तभी चुप करके बैठो। उसको पता मैं तरह डेंजरस जगह पे आया हूं। 10 दिन कोरोना तो गाइस अब इसके एयर क्लीन करवा रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा गंदे हो रहे हैं इसके कान भी। ढंग से कान नहीं साफ करवा रहा, पेन हो रही है इसको। नो तो यहाँ पिचकारी की वाइफ आ गई है देख सकते हो आप। कितने साल की है ये? दूल्हा ढूंढ रहे हैं। दूल्हा ही ढूंढ रहे हो तो दूल्हा तो यहाँ तैयार है बिल्कुल। कंट्रोल कंट्रोल उधर, हम तो ट्रीटमेंट करवाने आए थे, यहाँ तो शादी हो रही है। पकड़ के रखो उसको अच्छे से। तो भाई देख लो सूजी टिक नहीं रही, इसको पिचकारी के पास आना है। अब इसके नेल्स कट होंगे भाई, बहुत चीखने वाला है। ओह माय गॉड, बिल्कुल नहीं कटवाएगा ये भैया, उस हिसाब से काटना की लगे ना। चेहरे को दर्द हो रहा है, नाखून नहीं कटवाओगे, दर्द तो होगा ही ना बाद में जब बड़े हो जाएंगे। मेरे को किसी को तकलीफ में नहीं कर रहा है। आपने कटवाने हैं? आपने मेरे तो कटे, मैं तो खुद नेल कटर से काट लूंगी, इनके तो इतने इतने बड़े उससे काटते कटर से। गाइस देख लो जन्नत जी को कितनी फिक्र है पिचकारी का, कोई दर्द ना हो जाए ज्यादा, उंगली ना काट देना कहीं उसकी। वही तो मैं देख रही हूँ, उसका नाखून वो मुड़ा हुआ था ना थंब का। क्या हो गया आपको? उसको बेचारे को इतनी पेन हो रही है। गाइस जन्नत जी रोने लग गई है यहाँ पे। तो अभी नोज एंड नॉइज करवा रहे हैं गाइस इसकी। अभी नोज थोड़ा सा है तो गाइस नोज अभी भी गंदा है। हाँ। तो एक बार इसको दोबारा क्लीन करवाना पड़ेगा। वो लेके ना पूरा इसको यहाँ से पूरा वो घुमाओ शेप में इसको, ये है बस मैं भाग जाऊँ किसी तरीके यहाँ से। तो भाई देख लो नोज वगैरह साफ करवा के बिल्कुल नया हो गया पिचकारी, इसकी शक्ल देख रहे हो कैसे चमक रही है, जैसे फेशियल करवाया हो इसने। इनका तो यही सलून है ना अब। तो गाइस ये मेडिसिन लिख के दी है, ये भी हम बाहर से ले लेंगे। तो भाई हो गई पिचकारी की डीवॉर्मिंग, पिटबुल देख सकते हो यार कितना खतरनाक है। उठा ले, कुछ नहीं कहता, नहीं वो चिम मारेगा, चक मारेगा। तो भैया अपने डॉग से मिलवा रहे हैं जन्नत जी को। कुछ नहीं कहेगा भाई जन्नत जी को, ये डॉग पसंद आ गया है यहाँ पे, अमेरिकन बुल्ली। यहाँ देख लो एक और क्यूट सा डॉग आया है। ये कौन सी ब्रीड है वैसे? देख रहे हो कितनी क्यूट लग रही है। भी होते हैं। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं, बाय बाय। उसको भी बाय कर देते हैं। उसको कोई याद कर रहा है, चीखे मार रहा है, भगवान जाने आपको याद कर रहा है ये तो। बाकी ये पिचकारी का चेकअप करवाना बहुत जरूरी था ना। हाँ सही कह रहे हैं, इसके नाखून नुखून बहुत ज्यादा। हाँ जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है वो अभी इसकी मेडिसिन लेनी है बस। इन पिचकारी का चेकअप वगैरह करवाना है, ब्लॉग थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, चेकअप वगैरह करा दिया। जाने से पहले पिचकारी के लिए यार एक बेस्ट विशेस वगैरह दे देना इसको कि जल्दी से ठीक हो जाए और ऐसे ही हमारे साथ नए नए ब्लॉग्स में आए। तो करते हैं इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। बाय बाय जी नेशन, love you all, say bye.